के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपका मोबाइल का जो स्पीड है आप 2 गुना कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे सेटिंग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको चले जाना है अबाउट फ़ोन के अंदर। ठीक है, अबाउट फ़ोन के अंदर जाने के बाद आपको बिल्ड नंबर सर्च कर लेना है, जैसे कि वर्जन नंबर है ना, वो सर्च कर लेना है। उसके बाद उसके ऊपर 7 बार टैप करना है। ठीक है, जैसे कि मैं 7 बार टैप कर चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे डेवलपर मोड मेरे फ़ोन के अंदर इनेबल हो चुका है। ठीक, इनेबल हो जाने के बाद आपको बैक आना है। आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड रहेगा कि इनेबल हो जाने के बाद वो कहाँ पे दिखाई दे, जैसे कि मेरा एडिशनल सेटिंग के अंदर दिख रहा है, आपके मोबाइल के अंदर जो वहीं पर ही दिखाई दे या किसी और सेटिंग के अंदर। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि डेवलपर सेटिंग, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग दिख रहे होंगे, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, नीचे चले आना है। जैसे कि मैं नीचे आ जाता हूँ, आप यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हो ना, विंडो एनिमेशन जूम और ट्रांसमिशन एनिमेशन जूम और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। ठीक है, ये जो 3 सेटिंग देख रहे हो ना, इसे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब बहुत वीडियो देखे होंगे कि इसे ऑफ़ करने से या इसे 3ों सेटिंग को ऑफ़ करने से मेरा जो स्पीड है, मेरे मोबाइल का जो स्पीड है वो बढ़ सकता है। आपको समझना ज़रूरी है कि 3 सेटिंग का मतलब क्या होता है। 3 सेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो एनिमेशन है, मतलब आप जब भी बैक लेते हो, ठीक है, अब जो मेरा स्क्रीन ऐसा है, लेफ़्ट मूव करा, ठीक है, उसे एनिमेशन कहते हैं, वो जो है ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ़ हो जाने से क्या होगा कि आपका जो है वो एनिमेशन दिखाई नहीं देगा, आपको लगेगा कि ये मेरा फ़ोन है जो स्पीड हो चुका है। ऐसा नहीं होता है, वो एनिमेशन ऑफ़ करने से आपको यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा, मतलब स्मूथनेस ही नहीं रहेगा फ़ोन में। वो एनिमेशन आप कुछ भी मत करिए, डेवलपर सेटिंग ऑफ ऑन ही मत करिए, क्योंकि वो डेवलपर के लिए होता है। अब आपको टेस्ट करने, आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, आपको यूज़र के, मतलब यूज़र के लिए वो नहीं बनाया रहता है। ये इनेबल करने से आपका जो बैटरी कंज्यूमिंग है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही यूज़ करना चाहिए, डेवलपर सेटिंग को मत ही यूज़ करिए। ठीक है, मैं जो थंबनेल लगाया था, ठीक है, वो झूठ है। आपका मोबाइल का जो स्पीड है कैसा बढ़ा सकते हो, 2x तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, 5-10%। ठीक है, वो कैसे बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं। आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मोबाइल क्लीन करने के ऐप, मोबाइल क्लीनर, मोबाइल बूस्टर, ठीक है, वो ऐप आप यूज़ करिए। मतलब अब तो आप जो मोबाइल आ रहे हैं उनके साथ ही डिफ़ल्ट में वो क्लीनर का ऑप्शन आ रहा है, तो उन्हें यूज़ कीजिए। मोबाइल के अंदर मेमोरी और रैम है ना, वो बढ़ जाने से आपका जो मोबाइल है थोड़ा बहुत स्पीड वर्क करेगा। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये वर्क करेगा। आप ये क्लीनर यूज़ करने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये एनिमेशन ऑफ़ करने से आपको लगेगा कि मेरा मोबाइल स्पीड हो चुका है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपका मोबाइल का जो बैटरी लाइफ है वो चला जाएगा। आप इस मोबाइल के ऊपर डिपेंड रहते हो, मोबाइल को जो ये सेटिंग ऑन करने से या मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके जो मोबाइल के अंदर जो अनवांटेड ऐप्स है ना, उसे भी डिलीट करके आप अपने रैम का जो स्पेस है उसे बढ़ा सकते हो। उसे बढ़ाने से क्या होगा, आपके जो दूसरे ऐप है ना, वो इजी तरीके से वर्क करेंगे, मतलब स्पीड हो जाएगा आपका मोबाइल। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।